अब आदि पुरुष क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। आदि पुरुष को अब तो ये भी जानता होगा, कल था 20 मई और कल ही आदि पुरुष का सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसके थंबनेल में ये बड़ा सा टाइटल जय श्री राम देखने को मिलता है। हाँ तो भाई, लगता है थंबनेल आदर्शवादी है, क्योंकि पूरे सॉन्ग में यही टाइटल वाला ही लिरिक्स सुनने को मिलता है, सिर्फ 3 वर्ड्स, जय श्री राम। इस सॉन्ग का लेंथ है 2 मिनट 39 सेकंड, और 2 मिनट 39 सेकंड के सॉन्ग में मुझे तो सिर्फ जय श्री राम ही सुनाई देता है। इस पूरे सॉन्ग में मुझे सिर्फ यही पार्ट अच्छा लगता है। और बाकी 2 मिनट 39 सेकेंड तो बस मुझे वेट करने में ही खत्म हो जाता है कि अब सॉन्ग में कुछ नया सुनने को मिलेगा। लेकिन नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस सॉन्ग को पूरा देखा ही क्यों, जबकि मुझे अच्छा ही नहीं लगा। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये सॉन्ग खराब है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सॉन्ग का 3 वर्ड्स जय श्री राम ऑडियंस को एंड तक बांधे रखती है, जो लोगों को बेहद पसंद आया है। लेकिन इसमें भी कई जगह मिस्टेक हुआ है, जैसे कि रामायण में राम की एक भी दाढ़ी नहीं थी, और इस राम की तो पूछो मत। रावण का लंका पूरा सोने का होता है, लेकिन इस रामायण में लंका शायद कोयले की खादान बन गया है। रावण ने सीता को अपने वाटिका में रखा था, लेकिन बेचारी कृति के लिए सिर्फ एक पेड़ ही पूरा गार्डन बन गया। पूरे 250 करोड़ का VFX मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, और इस राम का ये गुस्सा मुझे भी डरा रहा है। जय श्री राम सॉन्ग में पूरे ट्रेलर वाले सीन को ही यूज किया गया है, बस कुछ गिने चुने ही फुटेज बदले हुए दिखाई देते हैं। वैसे आपको ये सॉन्ग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।